कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह माय गॉड जेंटलमैन, मुझे तुम लोगों से काम कराना था इसलिए मैं बोल रही थी कि हाय गाइस व्हाट्स अप, दिस इज काजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं बहुत लास्ट मिनट एकदम फटाफट फटाफट ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सौम्या के 500K ऑन इंस्टाग्राम हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्या, सॉरी YouTube, मेरी एक्साइटमेंट देख। सस्ते नशे 500K ऑन YouTube हो गए और हमने सौम्या को ना कैसे वैसे मतलब उसको यहाँ से वहाँ घुमा रहे हम लोग अभी उसको ना हमने हॉल में बिठा दिए। हाँ, इसको मैंने बताया नहीं था क्योंकि मेरे को बताने का मौका ही नहीं मिला उसको। तो मतलब ऐसा कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं कर रहे बट यू नो छोटे छोटे सरप्राइजेस भी बहुत कुछ मायने रखते हैं। तो अभी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहेगा कि हम उसके लिए केक मंगाने वाले। और मैं उसको ना सुमड़ी में पूछी कि कौन सा केक तू पसंद करेगी, स्ट्रॉबेरी वाला या चॉकलेट वाला या पाइनएप्पल वाला, और उसको यूजुअली पाइनएप्पल ही पसंद है पर वो आज पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसे बोली कि चॉकलेट वाला खाते हैं। तो हम लोग अभी उसके लिए चॉकलेट केक मंगा दिए हैं। ये मैं मैचस्टिक लेके बैठी हूँ ताकि कैंडल लाइट करने के लिए। हाँ, वो कोई और टेंशन में एग्जाम में अभी हम लोग जाके उसको केक देते हैं। ये रहा केक, हॉल में बैठी इसलिए मैं धीरे से बोल रही हूँ। तो अभी लेट्स गो करते केक। टेडी, तेरी दीदी के 500K हो गए। मम्मी किती क्यूट वाटतो ना डॉग, आपण पण घेऊया का? मम्मी बोलला आपलाच तर आहे, तुझ्या मम्मीकडे एवढा मोठा डॉग आहे ना। ये लोग मुझे डॉग बोल रहे हैं। ग्रीन ग्रीन एक कैट और एक मंकी, एक मंकी भी है। दो मंकी एक को कैट चाहिए एक को डॉग चाहिए। बच्चा कैट और बिल्ली कैसे हो गया? हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। इधर से ही आते मेरे पीछे सब। अरे ये हमें नहीं बैठने देने वाला है। रेडी जा। अरे ये हम यहाँ बिग बॉस देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और ये तो देखो डैडी, इसको मेरे डैडी के जूते से कुछ अलग ही लगा है। नहीं, वो कल ऑफिस जाने वाला है। अच्छा, तू ऑफिस जाने वाला है? ओ, सॉक्स भी पहनेगा। वेरी नाइस। ओ ठीक है उधर पहनेगा। हाय। इतना सच धज के मैं अभी बाहर जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड था। एक्चुअली ये लोग निकलने वाले थे बट सौम्या कुछ काम आ गया था, वो अभी थोड़ा आगे निकल गई है उसके काम के लिए। और हम लोग भी सोचे, हम भी बोर हो रहे थे, लुक एट डॉल शी इज लुकिंग सो हॉट टुडे। तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे कुछ आइडिया नहीं, बस इतना पता कि हमको एक मिरर उठाना है और मिरर उठाने के लिए हम लोग इतना वो शॉप हमने देखा है। हाँ, लेकिन वो कहाँ एग्जैक्टली कहाँ है वो नहीं पता, बस ऐसे गुजरते हुए ऐसा थोड़ा थोड़ा माइंड में याद है कि हाँ इस के राइट। सो नाउ वी आर इन थाने से भी हम जा रहे हैं बांद्रा। आई नो इट्स क्रेजी, मिरर के लिए बांद्रा जा रहे हैं हम लोग। एंड ऐसा इतना रेडी होके गए क्योंकि आज सैटरडे भी है तो यू नेवर नो कुछ भी प्लान बन सकता है। सबसे ज्यादा क्रेजी है ना वो ड्राइवर को होता है क्या गाड़ी चलाने का। वो तो है यार, डॉग को मानना पड़ेगा कि इतना भारी ड्राइव करती है, इतनी तारीफ करा रही है और लेके जा रही है। हाँ। ये वाला इसने सेलेक्ट किया है
एंड शी इज बार्गेनिंग. भैया कर दो यार कम. किया ना. वेरी नाइस. ये हमारी सौम्या को हमने कर लिया है पिक. आज ना डॉल ने मेरे को फुल घुमा दिया, मुंबई दर्शन करा दिया. पहले मैंने बोला बैंड्रा जा रही है, बट एक्चुअल में मैं पवई गई, क्योंकि उसने वो जो मिरर था वो ऐसे रास्ते में देखा था, बट उसको पता नहीं वो लोकेशन कहाँ पे था. कुछ भी नहीं पता था मेरे. हाँ. से रोड पे ऐसे नॉर्मली ऐसे देख लिया था. एंड बैंड्रा में भी देखा था, लेकिन पवई ऑफ कोर्स थाने से नजदीक है, तो हमने सोचा पहले पवई देख लेते हैं. तो पूरा पवई घूम लिया एंड देन शी लाइक नहीं समझ रहा है, लेट्स गो टू बैंड्रा. पवई में तो अलग गंदा वाला ट्रैफिक. तो बैंड्रा में से फाइनली वी गॉट द मिरर जो मैंने आपको दिखाया. और उधर मेरे को और दो तीन चीजें अच्छी लगी. हाँ, मुझे भी सेम. एंड फिर बाद में हमने सौम्या को भी पिक कर लिया, उसका भी काम हो गया. फिर हमने थोड़ा सा खाना आना खाए और अभी घर जा रहे हैं. एक घर जाके अपन को यूट्यूब वीडियो शूट करने करने की किसमें ताकत है? मेरे में है. सौम्या तेरे में? मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं तो करूंगी. बट व्हाट आई थिंक इज कि हम हमेशा वहाँ पे उस जगह पे करते हैं. तो व्हाट आई थिंक इज कि हमने जैसे फर्स्ट हमारी यूट्यूब वीडियो कैसे शूट की थी बाहर बैठ के, तो मुझे ऐसे लगा कि तेरी सोसाइटी के गार्डन में हम लोग कुछ. अब मैं बताऊंगी नहीं क्या वीडियो शूट करने लगे, बट कुछ चैलेंज वीडियो करने का प्लान किए थे. तो और हम लोग का प्लान था कि घर जाके करेंगे, लेकिन अभी ट्रैवल कर रहे हैं. सौम्या का सेलिब्रेशन भी बाकी है, वो कल मतलब बड़ा वाला सेलिब्रेशन, तो छोटू वाला सेलिब्रेशन हो गया. सौम्या ना बहुत चिंगू से दोस्तों, ये हमेशा बोलती है मैं ये होगा वो होगा मैं पार्टी दूंगी. और ये कहा था 1 मिलियन करेगी टिकटॉक के टाइम, बोली मैरिट में पार्टी दूंगी. आज तक 3 मिलियन हो गए इस बंदी के. आज तक मैरिट क्या है, मैरिट के बाजू वाले होटल में भी पार्टी नहीं दी इसने. चलो न्यू ईयर को. न्यू ईयर बहुत महंगा होता है. न्यू ईयर के बाद ऐसी होती है दोस्त, न्यू ईयर बहुत महंगा होता है. फिर बचा भी रही है. हाँ. तो फिर मैं लेकिन मेरे एग्जाम है बाद में. छोड़ो दोस्तों, मेरे को नहीं लगता हमें पार्टी मिलने वाली है. बट आप तो लोग इसको कमेंट में, हाँ इसको बोलो कमेंट में कि सबको पार्टी दे, मेरे को आशिमा को डॉल को हम सबको पार्टी दे ये इसकी. कल ना हमने इस डॉगी को खाना खिलाया था और अभी हम कार से उतरे तो उसने हमको पहचान लिया और वो फिर से आ गई खाना खाने के लिए. ये देखो उसको पता है गाड़ी में खाना रहता है. सो क्यूट, पता नहीं इसकी पपीज का है, बट कल ही इसको डॉल ने खाना खिलाया था. एंड सो गुड ऑफ डॉल, वो अपने डिक्की में ऐसे स्ट्रीट डॉग के लिए पेडिग्री हमेशा लेके घूमती है. क्यूट हूँ यार. सही में यार ये एनिमल्स को कितना प्यार होता है. हाय हाय मैंने उसको ऐसे सिखाया हाय बोलने पे आने का. हाय और मैं इसको अभी ऐसे लेके बैठी हूँ कि तो क्यूटली बैठ गया है ये मेरे साथ. हम दोनों ये लोग अभी जल्दी जाने वाले हैं, तो हम दोनों मिस दिस थिंग कि तो क्यूटली बेबी की तरह बैठ गया है ऐसे गोद में मेरे साथ. लेकिन वो क्यूट नहीं, उसकी शक्ल पे मत जा. हाँ वो भी है. इसको लेके अभी हम जा रहे हैं बाहर. जो लास्ट ट्रेन तो पाउलेट था टेडी, तूने लास्ट ट्रेन तो गाढ़ो बोल ली थी. गाढ़ो है हम जा रहे बाहर घूमने. अभी हम लोग ऑटो से जा रहे हैं टेडी को थोड़ा बाहर घुमाने लेके जाने के लिए. एंड ये टेडी का फर्स्ट ऑटो राइड है. देखो कितना एंजॉय कर रहा है. बाले जुल्फे उड़ रही है उसकी. जुल्फे उड़ रही है टेडी. टेडी भाव नहीं दे रहा है मेरे को अभी. टेडी इज सो हैप्पी टू बी हियर. कैट को देख लिया उसने. देखो कितना पागल हो गया इधर आके. टेडी बिल्ली डर गई. अरे ओ माय गॉड जेंटलमैन. वेट लेट मी. ये शॉप में हम ऐसे बैठे हैं. ये भाई साहब को हम कपड़े ट्रायल कर रहे थे, सब पे घूर रहा था. हम तीनों कैसे वैसे मैनेज करके इसको पहना दिए और इसके लिए क्यूट सा पिंक कलर का ड्रेस लिया, टी शर्ट लिया. डॉल का तो इरादा था फ्रॉक लेने का. ये वाला ऐसे फ्रॉक. कितना भी 5-star फूड खा लो, लेकिन स्ट्रीट फूड का अलग ही मज़ा होता है. और अभी हम लोग आए हैं
पाव भाजी खाने, पर ज्यादा भूख नहीं लगी तो एक ही पाव भाजी हम तीनों में खाएंगे। एंड टेडी सिर्फ देखेगा, टेडी सिर्फ देखेगा हमें। थैंक यू। ये खाने का वन ऑफ द वेरी फेमस स्पॉट है, मैं इनके लिए लेकर इनके लिए पिलाने के लिए इनको लेकर आई हूँ। यहाँ कितना बड़ा है, पेरू वाला ये और एक मेरे लिए मुझे तुम लोगों से काम कराना था इसलिए मैं बोल रही थी कि बोल रही मेरे पास फोन का ट्राइपॉड है नहीं और सब मैंने सही से लगा दिया। अच्छा तो गाइस हम लोग अभी मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ बेसिकली। अभी कल हमने फुल धमाल वमाल किया, उसके पहले के दिन भी बहुत धमाल वमाल किया और अभी मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ क्योंकि अभी हम बना रहे दूसरी वीडियो जो आपको सुन मेरे चैनल पे देखने मिलेगी और उसमें मैं ही जीतने वाली हूँ। मैं पहले ही आपको रिजल्ट बता देती हूँ, मैं ही जीती। इसमें कोई जीतने हारने वाला, लेकिन मुझे ना ऐसे लगता है, मुझे ऐसे फील होता है कि जहाँ नसीब का मतलब जहाँ नसीब का टास्क होता है ना या फिर चैलेंज होता है, मैं हमेशा वहाँ पे हार जाती हूँ। पागल है, नसीब तेरा नसीब कितना अच्छा है। क्यों तेरे बाजू में मैं बैठी हूँ, तेरी दोस्त है, बहन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ऐसा फास्ट खाना हो या फिर जहाँ पे ऐसा कॉम्पिटिशन हो ना, वहाँ पे मैं जीत जाती हूँ। क्या है आपका ये डॉल तो है, हमेशा उलाउ लेते हैं जब चैलेंज करते हैं ना, फूड चैलेंज में कोई तो आ जाता है। हां गट्स तो है बंदी में, लेना ही नहीं चाहिए, भूत आ जाता है। फूड चैलेंज में लेना नहीं चाहिए, पहले भूत आ जाता है। एनीवे गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग, ऐसे ही सपोर्ट प्यार लव देते रहो। और मैंने कमेंट शाउट आउट नहीं दिया इस वीडियो में, आई एम सो सॉरी, मैंने अब तक देखा नहीं है, बट इसके बाद वाली वीडियो में दो लोग को शाउट आउट दूंगी मैं। Bye!